तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका गणपति ऑनलाइन साड़ी सेल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जैन समाज के कुछ प्रोग्राम आपको दिखाऊंगी, जहाँ पे भादवे के महीने में इनके कुछ प्रोग्राम होते हैं और पूरे महीने तक इनके प्रोग्राम चलते हैं। अब देखिए बच्चियाँ शास्त्रीय संगीत में कितनी सुंदर लग रही हैं। मैंने गाना इसलिए म्यूट किया दोस्तों, क्योंकि इसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। ये नमो कार पे डांस कर रही है, नृत्य कर रही हैं, शास्त्रीय संगीत, बच्ची बहुत सुंदर डांस कर रही है। मैं आपको गाना तो नहीं चला सकती, लेकिन ये दिखा जरूर सकती हूँ कि बच्चियाँ बहुत सुंदर डांस कर रही थी। और ये भी इनके नमो कार पे ही बच्ची डांस कर रही है। उसके बाद कुछ बच्चियाँ जो बड़ी बच्चियाँ थी वो गरबा खेल रही थी, और ये सामूहिक नृत्य हो रहा था एक साथ। ये पूरे जो जैन समाज की बच्चियां हैं, ये इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, और पूरे महीने तक ये प्रोग्राम चलता रहता है इनके। और ये छोटी छोटी बच्चियां ग्रुप डांस कर रही हैं। इसमें नव्या है, नव्या ये है, नव्या और उसकी फ्रेंड्स डांस कर रही। ये देखें, इसके बाद छोटी छोटी बच्चियां फिर गरबा कर रही हैं। इनका ये प्रोग्राम पूरे एक महीने तक चलता है। महावीर जैन स्वामी महावीर के जो उस समय के जो उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, उन्होंने जो दुख का कारण, दुख का निरोध, ये सब उन्होंने दिया था। जैन धर्म में जो जैन मुनि हैं उन्होंने, फिर एक बच्ची डांस कर रही है। और ये देखो इनके जो वस्त्र हैं ये वाइट कलर के, और ये देखो कितना अच्छा अपना प्रदर्शन कर रही है बच्ची। इनके ये करीब एक महीने तक चलता है पूरा प्रोग्राम। आत्मा अकेले आती है, अकेले चली जाती है, न उसको कोई साथ देता है, ना तो उसका उसके साथ जाता है। ये महावीर जैन आत्मा अजर और शरीर मौसम है। अब ये यहाँ पे जैन मंदिर है, जैन मंदिर से जाती ये पालकी निकल रही है, पालकी पूरी चांदी से बनी हुई है। यहाँ से ये क्षमा वाणी पर्व है, इनके यहाँ पर क्षमा वाणी पर्व, तो ये चांदी की पालकी है। और इनको जो चार लोगों ने पकड़ रखा है वो बिल्कुल नए वस्त्र पहन करके, और इस तरह से पहना करके उनको फिर पकड़ाया जाता है पालकी को। और पालकी के साथ साथ एक टेबल भी चलती है, जिस पे इनको नीचे जैसे पूजा कर रहे हैं, जिसके घर के सामने जिस जैन धर्म के संबंधित लोग हैं उनके घर के सामने से निकलेगी, तो वहाँ के जेंट्स और लेडीज़ दोनों पूजा करते हैं मिल करके। ये भाभी जी और भाई साहब दोनों मिलकर पूजा कर रहे हैं। इसके बाद और भी आ गए पूजा करने के लिए। आगे मैंने इन्हीं की जो आंटी जी से बात करी, तो उन्होंने अच्छा चलो बढ़िया। तो ये जैसे आपने साड़ियाँ, मैंने पीछे भी देखा है लेडीज को सब एक जैसी साड़ियाँ पहने की, जैसे इन्होंने भी तो एक जगह से मंगवाते हो साड़ी? एक जगह से। अच्छा, अभी इसकी क्या रेट होगी? ये 1200 की आई थी हमारे। अच्छा, 1200 की, अच्छी लग रही है, सबके एक जैसी होगी वैसे। कई करीब करीब एक जैसी करते, हाँ, करीब साड़ी करते ना, हाँ, तो एक जैसी होती हमारी। मैं वहाँ से बनाती आ रही हूँ, तो ऐसी पहन रखी लेडीज सब करीब हमारे समाज में, हाँ, अगर आती है तो कम से कम भी 70-80 साड़ी आती है, जब अच्छा। कोई भी साड़ी आती है तो, हाँ, साड़ी आती है। ये बता देंगी थोड़ा भैया, ये रानी तुम भी बोल दो, ये भैया बता देंगे, वो जो जैसे वो
यूट्यूब पे चैनल है मेरा, तो ये जो कपड़े पहन रखे ना ऐसे आगे पाल के, वो ऐसे क्यों? हाँ अच्छा, नहीं वो जो वो पहन रखे ना ऐसे गले यहाँ बांध रखा है कुछ, जो पालकी पकड़ रखी है ना चार जनों ने, वो तो मैंने पाल के भगवान को नहा धो के धोती कुर्ता धोती दुपट्टा ही पहनना पड़ता। अच्छा अच्छा, दूल्हे पहनते हैं, कोई हाथ नहीं लगाता। अच्छा, उनको कोई छुएगा नहीं पूरे रास्ते तक अभी। हाँ, केवल वो ही भगवान को लेके जाएंगे, वो ही वहाँ जाके अभिषेक करते हैं। अच्छा, आज के दिन को क्या बोलते हैं? कि हमारे क्षमावनी पर्व। क्षमावनी पर्व, ठीक है, थैंक यू भैया। ये हमारे जुलूस निकलता है, जिस जिस के घर बाहर जाता है सब ये भगवान की आरती उतारते हैं। अभी आपके घर आएगी तो अब आप उतारें। हम भी उतारेंगे, जिस जिस के सामने सबके घर के बाहर आते हैं। अब देखें इनकी झांकी निकल रही है और पुलिस भी इनके साथ चल रही है कि कोई लफड़ा वगैरह नहीं हो, तो ये पुलिस भी इस झांकी के साथ साथ चल रही है। और सब लेडीज़ ने, जो जैन समाज की लेडीज़ हैं, उन्होंने सब जने एक जैसी साड़ी पहन रखी है। आंटी जी ने बताया, हमने सब ने 70-80 लेडीज़ हैं, उन्होंने एक जैसी साड़ियाँ सब ने एक साथ मंगवाई हैं और उसको तैयार करके इसी दिन के लिए ये पालकी के साथ पहन के चलती हैं। और ये लाइन से चलती है, लाइन बाई लाइन चल रही हैं। देखें कितनी सुंदर लग रही हैं, एक जैसी साड़ियाँ और एक जैसी लाइन से कतार से। और जेंट्स इधर आगे चलते हैं और आगे बाजे वाले, ये देखें कितनी सुंदर लग रही हैं ये सारी बहनें। ये देखें, आत्मा अकेले आती है, अकेले चली जाती है, न उसका कोई साथ देता है, न कोई उसका मित्र बनता है। ये महावीर स्वामी महावीर के ये है प्रवचन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं अर्चना बढ़ जाते हैं आपके सामने। फुलेरा दिगंबर जैन समाज, फुलेरा दिगंबर जैन समाज में ब्रह्मचारिणी मधु दीदी, जो कि सांगानेर संस्कृत महाविद्यालय से फुलेरा आई है, उनके सानिध्य में फुलेरा में बहुत धूमधाम से हर्षोल्लास से पर्युषण पर्व मनाया गया तथा इस पर्युषण पर्व में बच्चों ने, बड़ों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, सभी ने कार्यक्रम किया तथा कार्यक्रम में मंगलाचरण की प्रस्तुति नव्या बड़जात्या तथा दक्षिता जैन के द्वारा की गई तथा पर्युषण पर्व पे सभी कार्यक्रमों में समाज के अनेक सदस्य मौजूद थे, जिसमें सुरेश जी राव का, केलाजी बेनाड़ा, शांतिलाल जी बड़जात्या, सुबोध जी छावड़ा, पुनित जी बड़जात्या, विनोद जी गोधा, राजू जी राव का, विमल जी काला तथा अनेक सदस्य मौजूद थे तथा जिसने कार्यक्रम को हर्षोल्लास से बनाया तथा आनंद पूर्वक बनाया। संस्कृत महाविद्यालय से आई मधु दीदी ने शाम को प्रवचन के साथ में 10 धर्मों के बारे में बताया तथा उन प्रवचन में से सभी से प्रश्न किए तथा उन प्रश्नों को जवाब देने वाले सभी व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया। भजन गाए गए, भक्ति नृत्य किए गए तथा सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। अनंत चतुर्दशी के दिन में भगवान जिनेंद्र भगवान का कलशाभिषेक किया गया तथा श्री जी की माल की बोली ली गई। इसी के साथ में अंत में क्षमावाणी का पर्व, क्षमावाणी के पर्व के दिन में फुलेरा जैन समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई तथा यह शोभा यात्रा जयकारों की गूंज के साथ में आदिनाथ दिगंबर जिनालय में पहुंची तथा वहां पर आदिनाथ दिगंबर जिनालय में कलशाभिषेक हुआ तथा श्री जी की माल की बोली श्रीमान रमेश जी राव का तथा नितेश जी राव का के द्वारा ली गई। इसी के साथ में आरती की गई। आरती के पश्चात में सभी लोगों ने एक दूसरे से क्षमा याचना की गई। पूरे वर्ष में या किसी भी समय किसी भी व्यक्ति से कोई भी गलती हो, क्षमा हो, इसी गलतियों के विषय में सभी ने एक दूसरे से क्षमा मांगी, एक दूसरे से गले मिले तथा हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ इस त्यौहार को मनाया गया। इसी के साथ में मैं अर्चना बढ़ जाते अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सादा सभी को जय जिनेंद्र।